वेलकम टू सी गुरुजी चैनल। मैं हूँ पूजा और आपके साथ शेयर कर रही हूँ इम्पॉर्टेंट वीडियो। जीएसटी में 9 न्यू सर्कुलर्स इश्यू हुए हैं जिनकी इश्यूएंस डेट है 11 अक्टूबर 2019। सर्कुलर्स में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट डिसीजन है। सर्कुलर्स इसलिए इशू किए जाते हैं कि अगर कोई भी क्लैरिफिकेशन है किसी भी पॉइंट पे तो वो क्लैरिटी हो सके सभी पर्सन को। तो यहाँ पे 9 के 9 सर्कुलर्स इस वीडियो में आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आप भी जानना चाहते हैं जुड़ रहे इस वीडियो के साथ, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज क्लिक कर दीजिए लाइक के बटन पे। इंपॉर्टेंट लगे तो इजिली आप इसे शेयर कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। जितने भी सर्कुलर्स इशू हुए हैं उन सभी को डाउनलोड करने का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ये 9 सर्कुलर नंबर 113 से स्टार्ट है और 121 है लास्ट सर्कुलर नंबर। वन बाय वन आपके साथ ब्रीफ में यहाँ पे सर्कुलर्स डिस्कस कर रही हूँ। कोई भी सर्कुलर आपको लगे कि उस पर आपको डिटेल में वीडियो चाहिए तो कमेंट करके मुझे बताइएगा, और अपने रेफरेंस के लिए डाउनलोड करना चाहें तो वीडियो के लिंक से कर लीजिएगा। स्क्रीन पर मैंने ओपन कर लिया है सर्कुलर नंबर 113 by 32/2019 of the GST issue हुआ है 11 अक्टूबर को। ये सर्कुलर इशू हुआ है किसकी क्लैरिफिकेशन के लिए? रिगार्डिंग जीएसटी रेट्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स। तो कुछ गुड्स के रेट्स और क्लासिफिकेशन की क्लैरिफिकेशन के लिए सर्कुलर आया है। कौन से हैं वो आइटम्स जिनकी क्लैरिफिकेशन आई है? पहला है क्लासिफिकेशन ऑफ लेग्यूमिनस वेजिटेबल सच एज ग्राम व्हेन सब्जेक्टेड टू माइल्ड हीट ट्रीटमेंट, आलमंड मिल्क, एप्लीकेबल जीएसटी रेट ऑन मैकेनिकल स्प्रेयर, टैक्सेबिलिटी ऑफ इम्पोर्टेड स्टोर बाय द इंडियन नेवी, टैक्सेबिलिटी ऑफ गुड्स इम्पोर्टेड अंडर लीज, एप्लीकेबल जीएसटी रेट ऑन पार्ट ऑफ द मैन्युफैक्चरर सोलर वाटर हीटर एंड सिस्टम, एंड एप्लीकेबल जीएसटी ऑन पार्ट्स एंड एक्सेसरी सुटेबल फॉर यूज सोलली और प्रिंसिपली विद अ मेडिकल डिवाइस। तो इन सभी के जीएसटी रेट्स और क्लासिफिकेशन के लिए इस 7 पेजेस के सर्कुलर में बताया गया है। अगर आपके लिए कोई भी रिलीवेंट है इनमें से कैटेगरी तो इसे जरूर पढ़िएगा। जैसे आलमंड के लिए इन्होंने बताया है कि इसे क्लासिफाई नहीं किया जा सकता फ्रूट पल्प और फ्रूट जूस बेस्ड ड्रिंक। आलमंड मिल्क पे जीएसटी का रेट लगेगा 18%। तो इस तरह से इन्होंने पूरी क्लैरिटी के साथ हर प्रोडक्ट का क्लासिफिकेशन और रेट इस सर्कुलर में बताया है। यहाँ मैं आपको सर्कुलर पूरा पढ़ के नहीं बता रही हूँ, पर अगर आपके लिए इनमें से कोई भी आइटम इंपॉर्टेंट है तो आप इसे डाउनलोड करिए और इसकी क्लैरिफिकेशन देख लीजिए, या फिर अगर आपको सेपरेट वीडियो चाहिए तो कमेंट करके बता दीजिएगा। बढ़ते हैं सर्कुलर नंबर 114 पे। 114 है क्लैरिफिकेशन ऑन स्कोप ऑफ सपोर्ट सर्विसेज टू एक्सप्लोरेशन माइनिंग और ड्रिलिंग ऑफ पेट्रोलियम क्रूड और नेचुरल गैस और बोथ। तो यहाँ पे किसकी क्लैरिफिकेशन है? सपोर्ट सर्विस जो है एक्सप्लोरेशन माइनिंग और ड्रिलिंग ऑफ पेट्रोलियम क्रूड और नेचुरल गैस और बोथ, उसके लिए यहाँ पे हमें बताया गया है पूरा प्रोसेस। तो ये सर्कुलर 3 पेजेस का है, अगर आपके लिए रिलीवेंट है तो आप इसे फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट सर्कुलर है नंबर 115। ये है क्लैरिफिकेशन ऑन इशू ऑन जीएसटी ऑन एयरपोर्ट लेविस। किस पर? दैट एयरपोर्ट लेवीज डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द वैल्यू ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द एयरलाइंस एंड कंसिक्वेंटली नो जीएसटी बी चार्ज्ड बाय एयरलाइंस ऑन द एयरपोर्ट लेवीज। इस पॉइंट पे पूरा ये सर्कुलर है, 3 पेजेस का सर्कुलर है, और क्रक्स में यही बताया गया है कि जीएसटी एप्लीकेबल होगा। 3 पेज के सर्कुलर में पूरी तरह से क्लैरिफाई किया गया है कि क्या एयरपोर्ट लेवीज पे जीएसटी एप्लीकेबल होगा या नहीं। तो आपके लिए अगर ये रिलीवेंट है तो आप इसे फॉलो कर सकते हैं। बढ़ते हैं सर्कुलर नंबर 116 की तरफ। ये है लेवी ऑफ जीएसटी ऑन द सर्विसेज ऑफ डिस्प्ले ऑफ नेम और प्लेसिंग ऑफ नेम प्लेट्स ऑफ द डोनर इन द प्रमाइसेस ऑफ चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन रिसीविंग डोनेशन और गिफ्ट फ्रॉम इंडिविजुअल डोनर्स। जब कोई पर्सन कहीं पे डोनेशन करता है किसी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन में, तो कई बार वो चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन उनके नाम की नेम प्लेट लगा देते हैं। तो इस तरह के जो नेम प्लेट्स लगी होती हैं उस पर जीएसटी लेवल उसमें जीएसटी के लेवी होने के लिए क्वेश्चन किया गया था, उसी के लिए रिप्रेजेंटेशन दी गई है। और फाइनली ये बताया गया है कि क्या, क्योंकि इसमें कोई रेफरेंस या मेंशन नहीं होता किसी बिजनेस एक्टिविटी का ऑफ द डोनर विच अदरवाइज वुड हैव गोट एडवर्टाइज, इसीलिए इस पर कोई भी जीएसटी लेवीएबल नहीं है। अगर आप पे ये एप्लीकेबल है तो आप इस सर्कुलर को फॉलो कर सकते हैं। चलिए अब जानते हैं नंबर 117 में क्या बताया गया है। नंबर 117 में क्लैरिफिकेशन है ऑन एप्लीकेबिलिटी ऑफ जीएसटी एग्जाम्पशन टू द डीजी शिपिंग अप्रूव्ड मैरीटाइम कोर्सेज कंडक्टेड बाय मैरीटाइम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। तो क्लैरिफिकेशन मांगी गई थी कि जो ये कोर्स है क्या उसमें जीएसटी एग्जाम्प्ट है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे एजुकेशन इंस्टीट्यूट है जिन पे जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है। तो इसे पूरी तरह से क्लैरिफाई किया गया है कि अगर कुछ कंडीशंस को ये कोर्स सेटिस्फाई करेगा तो इस पर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा।
तो अगर आपके लिए रिलीवेंट है तो आप इस सर्कुलर को फॉलो कर लीजिएगा। बढ़ते हैं 118 सर्कुलर में है क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग डिटर्मिनेशन ऑफ प्लेस ऑफ सप्लाई, किसकी प्लेस ऑफ सप्लाई, इन केस ऑफ सॉफ्टवेयर डिजाइन सर्विस रिलेटेड टू इलेक्ट्रॉनिक सेमीकंडक्टर एंड डिजाइन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। यहाँ पे क्लैरिफिकेशन मांगी गई थी कि अगर जो सप्लायर है वो तो लोकेट है टैक्सेबल टेरिटरी में और जो रिसीपेंट है सर्विस रिसीपेंट वो है नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में बाय यूजिंग सैम्पल हार्डवेयर किट्स प्रोवाइडेड बाय द सर्विस रिसीपेंट। तो इसके लिए क्लैरिफिकेशन मांगी गई थी कि प्लेस ऑफ सप्लाई केस में क्या रहेगा। तो इसमें पूरी तरह से यहाँ पे एक्सप्लेन करते हुए बताया गया है कि किस तरह से आपको देखना है और फाइनली बोला गया है कि प्लेस ऑफ सप्लाई फॉर सॉफ्टवेयर डिजाइन बाय सप्लायर लोकेटेड इन द टैक्सेबल टेरिटरी टू सर्विस रिसीपेंट लोकेटेड इन द नॉन टैक्सेबल टेरिटरी बाय यूजिंग सैंपल प्रोटोटाइप हार्डवेयर टेस्ट किट्स इन अ कंपोजिट सप्लाई वेयर सच टेस्टिंग इज एन एंसिलरी सप्लाई इज द लोकेशन ऑफ सर्विस रिसीपेंट एज पर सेक्शन 13(2) ऑफ द IGST एक्ट और इस केस में सेक्शन 13(3A ऑफ IGST एक्ट अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, तो इसको भी आप फॉलो कर सकते हैं अगर आप इस तरह की कोई सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। बढ़ते हैं सर्कुलर नंबर 119 पे। इसमें क्लैरिफिकेशन है रिगार्डिंग टैक्सेबिलिटी ऑफ सप्लाई ऑफ सिक्योरिटीज अंडर सिक्योरिटी लैंडिंग स्कीम। आपको बताना चाहूंगी कि जो सिक्योरिटी लैंडिंग स्कीम है इस पे RCM एप्लीकेबल कर दिया गया है और इसके लिए कुछ क्लैरिफिकेशन भी गवर्नमेंट से मांगी गई थी जो इस सर्कुलर में क्लैरिफाई कर दी गई है। और इसी सर्कुलर में ये भी बताया है कि पहले इसमें फॉरवर्ड चार्ज एप्लीकेबल था पर अब इस पे विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अक्टूबर 2019 एप्लीकेबल हो गया है रिवर्स चार्ज। तो अगर आप इस तरह के बिजनेस में हैं या आप ऐसा कोई काम करते हैं तो आप इस सर्कुलर को फॉलो कर सकते हैं नंबर 119। नेक्स्ट सर्कुलर है 120 जो है क्लैरिफिकेशन ऑन द इफेक्टिव डेट ऑफ एक्सप्लेनेशन इंसर्टेड इन नोटिफिकेशन नंबर 11/2017। एक नोटिफिकेशन आया था 11/2017 28 जून 2017 को, उसमें एक एक्सप्लेनेशन इंसर्ट हुई थी तो लोगों को उसमें ये कंफ्यूजन थी कि उसकी इफेक्टिव डेट क्या है। तो गवर्नमेंट ने यहाँ इस सर्कुलर में उसकी इफेक्टिव डेट को बता दिया है, आप चाहें तो इस सर्कुलर को फॉलो कर सकते हैं। वो सर्कुलर था बेसिकली द एक्टिविटीज और ट्रांजैक्शंस अंडरटेकन बाय गवर्नमेंट एंड लोकल अथॉरिटी आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द टर्म बिजनेस। तो अगर आपके लिए रिलीवेंट है आप इसे फॉलो कर लीजिएगा। नेक्स्ट सर्कुलर है नंबर 121, ये है GST ऑन लाइसेंस फी चार्ज बाय द स्टेट फॉर ग्रांट ऑफ लीगल लाइसेंस टू द वेंडर्स। तो इसके लिए क्लैरिफिकेशन मांगी गई थी और 2 पेज के सर्कुलर में इसे पूरी तरह से क्लैरिफाई किया गया है। तो जो भी सर्कुलर आपके लिए रिलीवेंट है आप उसे फॉलो करिए। मैं यहाँ पे आपको डिटेल में नहीं बताया है, मैंने आपको बिल्कुल ब्रीफ में बताया है। कोई भी सर्कुलर इंपॉर्टेंट लग रहा है और आपको समझ नहीं आ रहा है तो कमेंट करके बोलिए, मैं आपके लिए सेपरेट वीडियो अपने चैनल पर लेके आऊंगी। तो आई एम होपिंग दिस वीडियो इज रिलीवेंट फॉर यू और जुड़िए मेरे साथ इंस्टाग्राम पे, मेरी इंस्टा आईडी आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही है और आप मुझे फेसबुक और ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं, सर्च करिए #CAKuruchi। और मैं अपने उन व्यूवर्स को दिल से बोलना चाहूंगी थैंक यू जिन्होंने हमारे सब्सक्राइब बटन के साइड में दिए गए बेल आइकन को प्रेस किया हुआ है और वो देखते हैं हमारी वीडियोस सबसे पहले। तो अगर आप भी बनना चाहते हैं हमारे सबसे पहले व्यूवर्स तो सब्सक्राइब बटन के साइड में दिए गए इस छोटे से बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि आपको हमारी वीडियोज की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले और आप देख सके हमारी सभी इंपॉर्टेंट वीडियो और लेटेस्ट अपडेट्स को सबसे पहले। स्टे अपडेटेड, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें सीए गुरुजी चैनल को, बेल आइकन पे क्लिक करें सभी नोटिफिकेशंस के लिए और ये करना बिल्कुल फ्री है।